आपको बता दें कि सचिन के बर्थडे का दिन उनके फैन के लिए बेहद ही खास होता है। सचिन के फैंस तो उनके बारे में सभी खास बातें जानते ही हैं, लेकिन सचिन के सबसे बड़े फैन सुधीर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से ऐसे हैं जिन्हें सचिन के फैन जरूर जानना चाहेंगे। आज हम आपको सुधीर गौतम के जीवन से जुड़ी इन्हीं खास बातों के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन के सबसे बड़े फैन के तौर पर पहचान बना चुके सुधीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर गांव के रहने वाले हैं। 1981 में जन्मे सुधीर गौतम ने 2003 से 2010 के बीच टीम इंडिया के खेले गए 150 मैचों में दर्शक के तौर पर हिस्सा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुधीर ज्यादातर समय अपनी साइकिल से ही भारत में खेले जा रहे मैचों में से एक मैदान से दूसरे मैदान तक पहुंच जाते हैं। यहां तक कि वो लाहौर और बांग्लादेश में भी साइकिल पर सवार होकर मैच देखने जा चुके हैं। 2011 में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतकर सुधीर के लिए एक और खास बात तब हो गई जब वो सचिन के साथ इस जीत के लिए सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सचिन ने खुद सुधीर को ड्रेसिंग रूम में बुलाया और इस खास मौके के लिए सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें मौका दिया। सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आज भी सुधीर मिस यू सचिन का टैग लगवाते हुए मैदान पर आज भी सचिन की यादें जिंदा रखते हैं। सुधीर गौतम ने 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद उन्होंने कुछ समय दूध की डेयरी में काम किया। सबसे रोचक बात यह है कि क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी के चलते अपनी शादी भी पोस्टपोन कर चुके हैं सुधीर। सुधीर हर साल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे बेहद ही खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। सचिन का बर्थडे सुधीर अपने साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। अगर कहीं वजह से उनकी मुलाकात इस दिन सचिन से हो नहीं हो पाती तो वो अपने दोस्तों के साथ केक काटकर उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर स्थाना की रिपोर्ट।